शहीद सूरज बिष्ट को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। पंजाब के बठिंडा में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए सूरज बिष्ट का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव कंसोला नारायणगढ़ पहुंचा, जहां पर समस्त ग्रामवासियों और भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर भारत माता की जय और शहीद सूरज अमर रहे के नारों के साथ संपूर्ण क्षेत्र गूंज उठा। जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से बाहर निकालकर सेना द्वारा अंतिम दर्शन के लिए उनके घर ले जाया गया, जहां पर उनकी माता श्रीमती पुष्पा देवी ने अपने पुत्र के शव को देखकर बेहोश हो गई, जिन्हें किसी तरह परिजनों द्वारा होश में लाया गया। इस अवसर पर सभी की आंखें नम हो गई। तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर को पैतृक घाट मींगदेरा स्थित पिंडर नदी तट पर लाया गया, जहां पर 20 गढ़वाल ग्रेनेडियर रुद्रप्रयाग के मेजर सुरेश की अगुवाई में गढ़वाल स्कॉट जोशीमठ के 15 जवानों द्वारा सैनिक सम्मान के साथ रीत और अंतिम सलामी की दी गई। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने भी रीत चढ़ाकर अंतिम सलामी दी। वहीं उन मुखाग्नि उनके बड़े भाई पंकज, इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी सहित जनप्रतिनिधियों, तहसील प्रशासन सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर शहीद को सलामी दी। मैं शहीद सूरज बिष्ट का चाचा लगता हूँ। ये शुक्रवार की घटना है। उस समय गांव में जो है एक शादी का माहौल चल रहा था, तो 9 बजे के समथिंग हमारे बड़े भाई श्री करण सिंह बिष्ट, जो सूबेदार 2 दिन पहले छुट्टी आए हुए थे, सूरज के पिता हैं, वो आके अपने बड़े बेटे हवलदार पंकज सिंह, जो भी 4-5 दिन पहले छुट्टी आया हुआ था, आके बताते हैं कि आपका छोटा भाई जो है शहीद हो चुका है। उसके बाद वो सुन के सारे गांव और परिवार, पूरा मोहल्ला जो है सन्नाटा हो गया, और लोग जो है रात भर, उनकी माता जो है अभी रो रो के बुरे हाल है। ये तीसरा या चौथा दिन हो चुका है। सूबेदार करण सिंह भाई साहब अभी 2 दिन पहले जो छुट्टी आए हुए थे, ये उसी सूरज बिष्ट के शादी के सिलसिले में वो 2 महीने की छुट्टी आए हुए थे। अब यही विचार बनना था कि 2 महीने में कहीं लड़की देख के उसकी सगाई की जाए। मैं तो अभी भी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे बीच हमारा शहीद सूरज बिष्ट नहीं रहा, क्योंकि वो इतना काबिलियत और एक्सीलेंट बंदा था। जब भी वो छुट्टी आता था तो अपना जो है 25-30 kg का जो पिट्ठा होता है उनका, वो लेके यहाँ से और मींगदेरा यानी कि 6-7 किलोमीटर पर डे जो है अप डाउन करता था। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, और पूरे क्षेत्र को तो मायूस हो चुके हैं पूरा क्षेत्र, कि शहीद सूरज सिंह बिष्ट आज हमारे बीच में नहीं रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शुक्रवार के शाम को हमारे गांव में एक शादी का कार्यक्रम था, रिसेप्शन था। शाम को जो है सारे शादी में अपने प्रोग्राम में जो है खाना पीना खाने के बाद जो है हम लोग अब डांस की तैयारी कर रहे थे, और जो ये हमारा शहीद बालक जो है सूरज है, सूरज के पिता भी उस शादी में वहाँ पर उस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर गए, उसके ठीक 20 मिनट बाद वो अपने घर से नीचे आते हैं और अपने बालक पंकज को, जो उनका बड़ा लड़का है, उनको कहा कि आप से छोड़ के इधर आ जाओ, क्योंकि आपका भाई की जो है डेथ हो चुकी है। पर वो समझ नहीं पाया था, उसने बोला कि ये क्या बोल रहे हैं इस प्रकार के बाद। सारा माहौल, शादी का माहौल भी गमगीन हो गया है, और अब तो नाच डांस चलने वाला था वो। बस उसके बाद सारे गाँव में सन्नाटा फैल गया, सारी रात भर जो है चिल्लाने लग गए लोग, जो है इकट्ठा हो गया गाँव में। ये आपके लड़के के साथ भर्ती हुआ था? जी, सूरज मेरे लड़के के साथ भर्ती हुआ था। क्या बताएंगे सूरज के बारे में? अच्छा लड़का था, पूरे इलाके में, पूरा ब्लॉक में सबसे अच्छा लड़का था, सबसे स्मार्ट लड़का जिस बोलते हैं वो। अब ना शराब से लेकर दारू,
कोई भी ऐप उसमें नहीं था, वो एक मतलब अपने आप में जिसको कहते हैं अपडेट लड़का, एक अच्छा लड़का था, इसीलिए वो कह रहे हैं आर्मी में घातक में जो उनका 20 गढ़वाल रेफल में है उसमें वो एक्सीलेंट था। घर पर नहीं था, मैं घर्षण में था। रात को 2 बजे करीब मेरे को खबर मिली कि घर में